आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक ठाकुर द्वारा न्याय पंचायत कमालपुरी खालसा स्थित ग्राम माधोवाला पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में श्रीमती मुनेश कुमारी इस गांव की प्रधान है। इस गांव में कुल वोटरों की संख्या लगभग 1900 है तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या 670 दिखाई देती है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में ग्रामीणों के लिए आने वाले सभी लाभों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरी तरीके से ग्रामीणों में वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीणों को 10 और हैंडपंपों की सरकार से मांग है। उन्होंने बताया कि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से गांव में 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गाँव में लगभग 125 बच्चे जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो देखा कि प्रधान द्वारा वर्तमान समय में 11 सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही साथ खड़ंजो व सीसी टाइल सड़कों का निर्माण भी प्रधान द्वारा कराया गया है। उन्होंने गांव में 86 शौचालयों का निर्माण भी कराया गया है, जिससे ग्राम को शौचमुक्त बनाया जा सके और सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम स्वच्छ भारत अभियान के तहत वे अपनी हिस्सेदारी भी पेश कर सकें। उन्होंने गाँव में 2 रिबोर भी कराए हैं और स्कूल में शौचालय गेट का काम भी दुरुस्त कराया है। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए सफाई कर्मी की भी तैनाती की जा चुकी है, साथ ही शौचालयों का निर्माण भी बेहतर तरीके से हुआ है और ग्रामीणों द्वारा इसका उपयोग भी किया जा रहा है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में 25 और आवासों का आवंटन करें, जिससे गाँव के ग्रामीणों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही सड़कों का निर्माण भी कराएं। पंचायत घर, अस्पताल, सौर लाइटों की मांग भी ग्राम प्रधान ने सरकार से की है। मैं प्रधानपति माधोवाला से बोल रहा हूँ और यहाँ पर हमने 11 सड़कों का निर्माण कराया, 86 शौचालय बनाए, लेकिन पैसा कम आने के कारण अभी गांव का विकास बहुत कम हो पाया है और 2 रिवॉर्ड करा दिए हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से आशा करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजें ताकि गाँव का मैं विकास अधिक से अधिक करा सकूं। तथा प्रधानमंत्री आवास का कोई हमारे पास वो नहीं आया है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाए। मैं अशोक कुमार, प्राथमिक विद्यालय माधोवाला, प्रधान अध्यापक। मैं स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं कि ये जो प्राथमिक विद्यालय है बाहर के ग्राउंड से काफ़ी गहरा हो चुका है, मतलब जो बाहर का जो समतल स्तर है उससे गहरा हो चुका है। इसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे जो बच्चों को आने जाने में और शिक्षण कार्य में काफ़ी परेशानी होती है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मतलब बिल्डिंग के लिए कुछ धनराशि इसके लिए आवंटित की जाए, जिससे विद्यालय जो है ऊंचा किया जाए या फिर दोबारा से नई बिल्डिंग के लिए जो है आदेशित किया जाए।